Hey guys, what's up? This is our new video, and as we are big foodies, we thought of exploring the most iconic restaurants in Bangalore. Although Bangalore is filled with many of such iconic restaurants, but we have selected our top 5. So here we go. सो हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं और दिस इज़ कॉल्ड बीना स्टोर्स. बेसिकली बीना स्टोर्स जो है एक ओल्ड बैंगलोर का लुक देता है, जहां पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह एटलीस्ट आई थिंक ये 6 o'clock से सुबह शुरू हो जाता है. Hi guys, so we are at Brahmin Stathe in Maleshwaram. So basically, अगर आप बीना स्टोर के अगर पास हैं तो वहाँ से लाइक 10 minutes दूरी है, बाय वॉक आप आ सकते हो यहाँ पे. एंड why इट इज़ फेमस बिकॉज जो तट्टे इडली है, नाम बहुत फनी है, बट तट्टे इडली मीन्स एक तट्टे मीन्स प्लेट. सो बेसिकली ये एक प्लेट की शेप में इतना बड़ा जो है वो एक इडली का शेप होता है. एंड वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस बट अभी तक हम कभी आए नहीं. सो यहाँ पे लेट्स ट्राई कि यहाँ की इडली क्यों फेमस है एंड व्हाई इट इज़ सो स्पेशल एंड व्हाई दिस प्लेस इज सो आइकॉनिक. ओके यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत मिलती है लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस है. और ये इडली इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट, मेल्ट इन द माउथ टाइप्स. गाइस, वी आर हियर एट शिवाजी मिलिट्री होटल एंड दिस इज फेमस फॉर बिरयानी. एंड सो इट्स ऑलरेडी लंच टाइम, तो फिर चलते हैं कुछ बिरयानी वगैरह ऑर्डर करते हैं. सो हम फाइनली शिवाजी मिलिट्री कैंटीन पहुंच चुके हैं. एंड लाइक जब आप यहाँ पहुंचते हो तो आपको उस अरोमा में ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच इट इज़ फेमस फॉर बिरयानी. एंड प्योरली जो नॉन वेज लवर्स हैं दे कैन लाइक कम एट एनी टाइम. बहुत ही अच्छा एक जो एम्बियंस है वो बहुत सही है. एंड अगर आप लोगों को भी देखेंगे It's full of people. और लोग लाइन में भी लगे हैं, उनका नंबर आने का वेट कर रहे हैं. At least we got some place to sit here. और वैसे ज़्यादा लोग हैं बट सही है, अच्छा लग रहा. ये क्या है भैया? या क्या है? बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन फ्राई, मटन फ्राई, मटन और वो क्या ग्रेवी वाला? ग्रेवी चिकन फ्राई, सेमी ग्रेवी रहता है, मटन लिवर इधर ग्रेवी करो. यहाँ क्या फेमस ज़्यादा? ग्रेवी देखा था, मटन लिवर थोड़ी, चिकन फ्राई, सेमी ग्रेवी. अच्छा, तो मटन एक तो बिरयानी दे दो. मटन बिरयानी टू ना, टू मटन बिरयानी, एक मटन बिरयानी दे दो, एक हाँ एक चिकन.
amazing. Hello, अब हम आ गए हैं विद्यार्थी भवन और लंच करने के बाद बिरयानी वॉज सुपर अमेजिंग. तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह टी चाय कॉफ़ी पी लें. तो फिर हम यहाँ विद्यार्थी भवन में थोड़ा मतलब काफ़ी क्राउडेड सी जगह है, लेकिन आई गेस ये ऑलमोस्ट 70 to 80 ईयर्स पुरानी है. और जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे बाजार में तो इतना स्पेशियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी लोग भी सारे ऐसे ही शाम को आते हैं चाय नाश्ता ये सब करने के लिए. तो फिर हम भी सोच रहे हैं कि एक एक कॉफ़ी पी लेते हैं फिल्टर कॉफ़ी, और वैसे भी काफ़ी थक गए, ब्रेकफास्ट हो गया लंच हो गया, तो अब चाय की बात. तो फिर चलते हैं. खाना नो डाउट बहुत ही अच्छा था, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे खाने के बाद आपको ज़रूर लगे कि यार ऐसा खाना तो शायद मेरे घर के पास भी मिल सकता है बैंगलोर में. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द फूड एक्सपीरियंस, जो आपको यहाँ का माहौल मिलेगा वो शायद आपको घर के पास वाली जगह पे ना मिले, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है काफ़ी एक विंटेज काइंड ऑफ माहौल है. लोग यहाँ पे आते हैं और इनफैक्ट आपके जो रेट भी देखोगे यहाँ पे रेट बहुत अफोर्डेबल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी आई थिंक 50 rupees, डोसा वगैरह 40 rupees. बेसिकली जो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे आप रोड के आसपास आपको इतने का ही मिलता है. सो दिस इज़ ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट. MTR कैसे छोड़ सकते हैं, वन ऑफ द आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर एंड बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस ये एक ब्रांड है. एंड लाइक इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी आपने यूज़ किए होंगे. MTR के काफ़ी पैकेट पैक्ड फूड्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट ओरिजिनली MTR विच इज़ मार्वेलिंग किचन रूम्स, या मावेली टिफिन रूम्स जो है उसका ओरिजिन, जो उसका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, दिस है जहाँ पे हम अभी बैठे. यहाँ पे जो स्पेशलिटी हम देखते हैं विच इज़ रवा इडली. रवा इडली की शुरुआत यहीं से हुई है एंड इसकी एक अनोखी कहानी है जो हम अंदर जब खाते खाते हम उसको बताएंगे कि क्यों और कैसे रवा इडली इन्वेंट यही हुआ. यहाँ पे जो डिश सबसे फेमस है विच इज़ रवा इडली, उसका ओरिजिनेट यही हुआ. बेसिकली रवा इडली इज़ मेड ऑफ सूजी. सूजी का क्यों इस्तेमाल करके इन्होंने इडली बनाया इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है, विच इज़ वे बैक टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आटा जो था उस टाइम पे कम था लोगों को यूज़ करने के लिए, सो दीज पीपल ट्राइड विद सेमोलिना विच इज़ सूजी, एंड दे ट्राइड मेकिंग इडलीज विद सेमोलिना एंड सम हाउ इट बिकेम अ हिट. एंड उसके बाद से रवा इडली जो है यहाँ की MTR की बहुत ही एक फेमस और ट्रेडमार्क एक डिश बन चुका है.
So guys, these were some of the top 5 iconic restaurants in Bangalore. Do try them and give your feedback in the comment section. And hope you like this video. Please like, share and subscribe. Till then, keep guessing what next.